हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। प्रीवियस क्लास में हम देखे थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक। आज हम देखेंगे शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। तो शंट जनरेटर में क्या होता है ना, हमारा जैसे कि उसी में भी था नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें भी है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में, ए वाला में नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शंट जनरेटर इज सेम। इसका जो ग्राफ आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है, ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो उसका जैसे ही ओसीसी निकला था, इसका भी वैसे ही ओसीसी निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है ना? तो डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप हमारा कैसे होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है ना, ये है हमारा ओसीसी है। तो ओसीसी जो ये है, तो ये हमारा पहले से ऐसे बना नहीं रहता है। ठीक है, मैं तो पहले से बना दिया हूँ ओसीसी को। तो ये एक्चुअली में कैसे होता है ना, देखो ना, पहले तो हमें पता है ये जो ए पॉइंट है, मैं इसको ए पॉइंट नेम दे देता हूँ, है जो ये जो ए वाला पॉइंट है, ये किसके लिए जीरो से क्यों नहीं शुरू होता है, क्योंकि ड्यू टू द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये किसके लिए है ना, ये है प्रीवियस मतलब ओसीसी जब पढ़ा रहा था सेपरेटली एक्साइटेड में, उसमें भी बताया था ये किसके लिए ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के वजह से ये क्या होता है ना, ये थोड़ा वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा रहता है। तो ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसके किसके वर्सेस में रहता है ना, ये हमारा ई जीरो वर्सेस फील्ड करंट के वर्सेस रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, पहले देखो कि हम जब इनिशियली में फील्ड करंट को क्या करते हैं ना, जीरो पे रखते हैं, उसके बाद फील्ड करंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले से ही यहाँ पर है। ठीक है, जब हम फील्ड करंट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, समझ रहे हो ना, फील्ड करंट को यहाँ पर इंक्रीज करें, क्योंकि इस एक्सिस में हम फील्ड करंट लिए हैं। ठीक है, तो फील्ड करंट को जो अब इंक्रीज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा ना, ईएमएफ थोड़ा इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये वाला ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ, तो अभी ईएमएफ कहाँ, वोल्टेज अभी यहाँ पर चला आया। हाँ, तो अब क्या करेंगे ना, देखो ये वाला पॉइंट, तो अब क्या करेंगे ना, फिर से फील्ड करंट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। हाँ, तो फिर से फील्ड करंट को इंक्रीज करने से क्या होगा ना, फिर से वोल्टेज थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज और इंक्रीज हो गया यहाँ पर चला आया। ठीक है, ये स्टेप वाइज ऐसे ही इंक्रीज होके होके ये चलेगा। हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट में और थोड़ा इंक्रीज कर देंगे फील्ड करंट को, वोल्टेज और थोड़ा इंक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये पूरा बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप होके ये ओसीसी कर्व ऐसे ही बनाएगा। एक्चुअली में क्या ना, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कितना, फील्ड करेंट है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ई जीरो हो गया है। तो पहले नॉर्मल में क्या होगा ना, यहाँ पर होगा, हाँ मतलब ए यहाँ पर है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के वजह से, तो ये क्या हुआ ना, थोड़ा सा इंक्रीज किया। ठीक है, इसको मतलब जीरो था, हम फील्ड करंट तो बढ़ाएंगे ना, फील्ड करंट को बढ़ाने से क्या होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा, ये जो पॉइंट आ गया, हाँ ये एक पॉइंट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे ना, फिर से फील्ड करंट को इंक्रीज करेंगे, तो फिर से फील्ड करंट को इंक्रीज करने से क्या होगा ना, फिर से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। हाँ, तो ये जो पॉइंट है, और एक पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारा ये पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है ये वाला पॉइंट आ गया। हाँ, तो ऐसे करके ये जो पॉइंट पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे, है ज्वाइंट करने से ये क्या आएगा ना, ऐसे ही कर्व ये आएगा, इसको ही ओसीसी बोलते हैं। ये पहले से कर्व इसी वजह से, इसी पॉइंट के वजह से ही ये कर्व आता है, मैं तो पहले से ही ओसीसी बना दिया था समझाने के लिए, पर एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसे ही होता है। करंट को इंक्रीज करते हैं, फिर उसके करंट को इंक्रीज करने से क्या होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस होकर फिर ईएमएफ का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, फिर ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट को सब ज्वाइंट करने से, ऐसे ऐसे ज्वाइंट करने से ये ओसीसी ग्राफ हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्या है, प्रोसेस है, यही बोल रहा है, एट फर्स्ट ड्यू टू द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स इन द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से फील्ड में क्या होता है ना, पहले से ही कुछ अमाउंट का फ्लक्स यहाँ पर रहता है। ड्यू टू दिस स्मॉल फ्लक्स
सम अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आर्मेचर, जो कि ओए है, स्मॉल अमाउंट का ईएमएफ वहां पे इंड्यूस होके रहता है, वो जीरो से शुरू नहीं होता है। व्हेन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर, आर्मेचर करंट फ्लोस, ईएमएफ जब इंड्यूस होता है, ठीक है, इंड्यूस इन द आर्मेचर, आर्मेचर करंट फ्लो करता है, इट विल ट्रांसमिट द फील्ड वाइंडिंग, ट्रांसमिट कहां से होता है ना, फील्ड वाइंडिंग। नाउ फ्रॉम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर एंड मोर करंट फ्लो इन द फील्ड वाइंडिंग एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द रेटेड वोल्टेज इज रीच्ड, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारा रेटेड वोल्टेज पहुंच नहीं जाता, और ये क्या हो गया ना, सैचुरेशन जब तक नहीं हो जाता, यहाँ पर सैचुरेशन होता है जब तक ये सैचुरेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज बिल्डअप है, ठीक है, तो वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए उसका कंडीशन क्या है ना, डिसीजन जनरेटर में ना, वो क्या होगा ना, ओपन सर्किट होना चाहिए और उसमें क्या ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, ठीक है। देन चलते हैं क्या ना, नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन डीसी शंट जनरेटर। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस डीसी शंट जनरेटर में है क्या, ठीक है, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस वेयर द मशीन विल गेट एक्साइटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, मशीन एक्साइटेशन होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये है उसका ग्राफ से हम निकालेंगे उसका वैल्यू निकालेंगे, है? तो ये हमारा हो गया क्या ना, ओसीसी, ठीक है, ये क्या हो गया ना, ओसीसी कर्व हो गया, ठीक है। तो ओसीसी कर्व से हम क्या करेंगे ना, एक ट्रांजिएंट को ड्रॉ करेंगे, है? तो जब ट्रांजिएंट को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया ट्रांजिएंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ट्रांजिएंट से अब क्या करेंगे ना, हम स्लोप लेंगे, ट्रांजिएंट का स्लोप लेंगे, ठीक है, हम स्लोप लेंगे, इसको नाम दे देते हैं सी, ये हो गया सपोज, ए बी, और ये क्या हो गया ना, सी हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है ना, ई जीरो का वैल्यू, हाँ, और ये है आई एफ का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस में तो आई एफ लिए है ना, हाँ, यहाँ पर क्या लिए है ना, ई जीरो लिए है, उसी सी में जैसे लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा ना, आर सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर सी कितना होगा ना, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, हाँ? जैसे कि हमारा क्या होता है, ए बी मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, उस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा ना, आर सी का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, हाँ? तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिस पॉइंट में एक्चुअली में टॉच करता है, हाँ? तो उस पॉइंट से क्या होता है ना, हमारा मशीन एक्साइटेशन होना शुरू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट क्या बोल रहा है ना, देखो, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट ऑफ ओसीसी कर्व इज नोन एज द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं ना, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ ओसीसी गिवेन द सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है क्या है ना उसका सेकेंड पॉइंट ये, हाँ? देन चलते हैं क्या है ना, हमारा क्रिटिकल स्पीड क्या है, क्रिटिकल स्पीड क्या है ना, क्रिटिकल स्पीड हमारा बोल रहा है कि क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए शंट जनरेटर इज दैट स्पीड फॉर व्हिच द गिवन शंट फील्ड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या बोला है ना, जहां से कि व्हिच द गिव्स द शंट फील्ड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी हम क्या लेते हैं ना, ई जीरो वर्सेस फील्ड करेंट का ग्राफ से ही हम निकालेंगे क्या ना, क्रिटिकल स्पीड को समझेंगे, हाँ? तो क्रिटिकल स्पीड में क्या होता है ना, हमारा यहाँ पर क्या होता है ना, जो फील्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या रहता है ना, वो कंस्टेंट रहता है, हाँ? वो क्या रहता है ना, वो फील्ड रेजिस्टेंस हमारा क्या ना, कंस्टेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं ना, स्पीड को यहाँ पर वैरी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ना, स्पीड को हम वैरी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हम स्पीड लेंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं करेंगे, फील्ड जो रेजिस्टेंस है वो कंस्टेंट रहेगा, तो उसको कंस्टेंट करके हम क्या करेंगे ना, स्पीड को हम यहाँ पर क्रिटिकल स्पीड में स्पीड को वैरी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो स्पीड जब था, ठीक है, और यहाँ पर देखो आरएफ है, आरएफ को हम क्या लिए है ना, यहाँ पर कंस्टेंट लिए हैं, ठीक है, तो कंस्टेंट लिए हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा ना, लिनियरली पूरा आरएफ होगा, है ना, ये हो गया किसके ना, आरएफ कंस्टेंट आरएफ, ठीक है, ये वाला आरएफ,
तो देखो कि मैं बोला था कि जैसे कि एक पॉइंट आता है जहां पर कि मेसिन ये क्या होता है ना, सैचुरेशन होता है। ठीक है, सपोज मान लो कि ये वाला पॉइंट में मेसिन क्या होता है ना, सैचुरेशन होके तो एक्साइटेशन होना ये शुरू होता है। तो ये एक वोल्टेज हो गया, समझ रहे हो, ये एक हमारा सपोज वोल्टेज हो गया ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे ना, ये जो स्पीड था, ये जो हमारा एक स्पीड था, सपोज ये हो गया कितना ना N1, जो एक स्पीड था N1, स्पीड के लिए हमारा वोल्टेज इतना निकल के आया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना, वोल्टेज जो स्पीड है, स्पीड को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। तो स्पीड को डिक्रीज करने से क्या होगा ना, ये जो कर्व है ये थोड़ा और डिक्रीज यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे होके क्या करेगा ना, ये और एक वोल्टेज हमें देगा यहाँ पर। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर तो ये हो गया E2, और ये स्पीड क्या हो गया ना N2। तो स्पीड घट रहा है मतलब ये वोल्टेज भी घट रहा है। तो ऐसा एक पॉइंट मतलब सिचुएशन आएगा ना, ऐसा एक सिचुएशन आएगा जहां पर कि ये जो हम लिए थे RF लाइन लिए थे तो उसी में से ही क्या होगा ना, हमारा जो OCC कर्व है उसके ऊपर से ही ये जाएगा। ठीक है, तो जो उसके ऊपर से जा रहा है ऐसे करके N3 करके, ठीक है, ये जो पॉइंट निकल के आएगा उसको जो टच कर यहाँ पर जो टच किया है तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे ना, क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, NC, उसी को ही बोलेंगे क्रिटिकल स्पीड हम बोलेंगे। ठीक है, ये वाला। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ना हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे किसका ना, डीसी शंट जनरेटर का देखेंगे। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम में क्या है ना, डीसी शंट जनरेटर का यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए, ये फील्ड कॉइल है, यहाँ पर एक एमीटर लगा है A1 करके, यहाँ पर एमीटर डीसी शंट जनरेटर का, यहाँ पर क्या हो गया ना, वोल्टेज, तो सॉरी वोल्ट मीटर लगा है, यहाँ पर फिर से एमीटर लगा है, यहाँ पर एक स्विच का यूज हुआ है, उसका नाम क्या है ना, S है, यहाँ पर एक वेरिएबल लोड लगा है। लोड को हम क्या करेंगे ना, वेरी करेंगे, इसीलिए वेरिएबल लोड हम लगाए। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है ना, IA करंट फ्लो हो रहा है, IA यहाँ पर फील्ड करंट यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर क्या जा रहा है ना, लोड करंट IL जा रहा है। ठीक है, इजी। हाँ, तो ये क्या कर रहा है ना, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बोल रहा है कि द जेनरेटर इज रन एट रेटेड स्पीड। ठीक है, ये तो होता है ना, जनरेटर को क्या करना है ना, रेटेड स्पीड में रोटेट करना है, एंड द फील्ड करंट आर एडजस्टेड टू गिवन रेटेड वोल्टेज एट नोड। फील्ड करंट को भी रेटेड वोल्टेज में एडजस्ट करना, क्लोज द स्विच एस। अब क्या करेंगे ना, क्लोज करेंगे स्विच एस को, क्लोज करेंगे है, इंक्रीज द लोड ग्रेजुअली, लोड को हम इंक्रीज करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे एंड प्लॉट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोड को इंक्रीज करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, देखो शंट जनरेटर का जो वोल्टेज इक्वेशन है उसमें उसमें से हमें क्या पता है ना, उसमें से हमें पता है कि IA, ठीक है, IA इक्वल टू IF प्लस IL है, ये पता है। और क्या पता है ना, V इक्वल्स टू EG माइनस IARA, ये भी पता है। और क्या पता है ना, IF इक्वल टू V/RSH, ठीक है, ये भी हमें पता है। तो इसमें से क्या बोल रहा है ना, हमें जो स्टेप फॉलो करना है उस स्टेप्स में क्या बोल रहा है ना, हमें स्टेप में बोल रहा है कि हमें क्या करना है ना, ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो जब लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट क्या होगा,
लोड करंट क्या होगा ना, इंक्रीज होगा ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, लोड करंट इंक्रीज हुआ ना, तो लोड करंट इंक्रीज हुआ मतलब ये उसके साथ आईए मतलब फील्ड करंट प्लस हुआ है, तो मतलब आईए भी इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ आईए इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर जो आईए है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है ना, ईजी के साथ माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये जब ईजी के साथ माइनस हो रहा है मतलब आईए इंक्रीज होके ईजी के साथ माइनस हो रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा ना, वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वोल्टेज अगर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर हमारा जो लोड वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है, मतलब फील्ड करंट भी यहाँ पर क्या होगा ना, ड्रॉप होगा। समझ रहे होगी, क्योंकि हम जो ये जो प्लॉट जो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला है, ये किसके किसके बीच में होता है ना, लोड वोल्टेज है वर्सेस हमारा लोड करंट। ठीक है, इसमें होता है, तो इसी में ही हम क्या करेंगे ना, हम जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे। हाँ, तो इसमें पहले मैं ग्राफ को प्लॉट कर देता हूँ। हाँ, ये हो गया ग्राफ उसका। ठीक है, ये भी ये हो गया आई एल। ठीक, हाँ तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं प्रीवियस में जैसे ही बताया था, ये किसके लिए होता है ना, पूरा स्ट्रेट होता है, ये आइडियल कंडीशन के लिए, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक जहां पर कि हमारा कोई लोड लोड भी नहीं दिया जाता है और हमारा लॉसेस भी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, तो इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आते हैं। तो हम क्या किए ना, अब इसके हिसाब से जो ग्रेजुअली इंक्रीज करना था, लोड को इंक्रीज करना था, लोड को इंक्रीज करने से क्या हुआ ना, लोड करंट को यहाँ पर इंक्रीज किए, लोड करंट को इंक्रीज करने से क्या हुआ ना, आईए इंक्रीज हो गया। आईए जब इंक्रीज हुआ है तो वहां पर क्या हो गया, आईए यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, वोल्टेज डिक्रीज हो गया, तो वोल्टेज यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ ना, फील्ड करंट भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट व्यू से ये क्या हो रहा है ना, हमारा वोल्टेज को ये क्या कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। पर अगर हम देखेंगे और एक हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे है, कि आई एल इक्वल्स टू क्या होगा ना, वी एल बाई आर एल। ठीक है, तो हमारा क्या है ना, लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। लोड कब हमारा इंक्रीज होगा ना, हम आर एल का वैल्यू को जब इंक्रीज कराएंगे, इसको अगर इंक्रीज करा दिए है तो क्या होगा ना, करेंट हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेंट अगर क्या हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, VL भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखो कि टू टाइम्स है, VL जो है वो टू टाइम्स हमारा टू कंडीशन में हमारा डिक्रीज ये हो रहा है। ठीक है, तो ये और ज्यादा भी यहाँ पर क्या होगा ना, VL हमारा और ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जहां पर कि ये जो IL है, ठीक है, ये जो IL है वो क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू IA के साथ हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा ना, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये ऐसे ग्रेजुअली देखो, ग्रेजुअली डिक्रीज वोल्टेज तो डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर आएगा है, इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, बी। ठीक है, तो बी पॉइंट से ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे इसमें टच करेगा है, जहां पर कि आई ए इक्वल्स टू आई एल हो जाएगा है, शॉर्ट सर्किट इस पॉइंट में होता है। ठीक है, तो ये जो बी पॉइंट है इसको क्या कहते हैं ना, ब्रेक ओवर पॉइंट। ठीक है, तो इसी कर्व को क्या बोलते हैं ना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या ना, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं है? तो ये पॉइंट जो है बी, उसको क्या बोलते हैं ना, ब्रेक ओवर पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है कि हमारा वोल्टेज तो डाउन हो रहा था, देख रहे हैं ना, यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो रहा था फर्स्ट केस में है? तो लोड करंट जब इंक्रीज हो रहा था वहां पर वोल्टेज डाउन तो हो रहा था, कि ऐसा एक कंडीशन आएगा जहां पर कि लोड करंट भी कमना शुरू हो जाएगा है? तो लोड करंट यहाँ पर जब हम बढ़ा रहे हैं है, लोड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आरएल हमारा लोड जो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा ना, लोड करंट डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा इस बी पॉइंट के बाद कि ये क्या होगा ना, इसमें आके रह जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट है
आईए इक्वल टू आईएल हो जाएगा, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो हमारा ये तो चला गया हमारा क्या ना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहां से हमारा जाएगा क्या ना थोड़ा जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा नीचे हमारा क्या जाएगा ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपोर्टेंट नहीं है, है पर ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए इंपोर्टेंट, क्योंकि ये इसको हम तो देख नहीं सकते, इंटरनल पार्ट को हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया ना कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया और ये ब्रेक ओवर पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है ना इसका ये इतना ये प्रोसेस ये दिया है जो मैं बोला उसी का ये प्रोसेस दिया है। ठीक है, देन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला है ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी ऑब्टेंडेड बाय एडिंग आईएआरए ड्रॉप, आईएआरए ड्रॉप को ऐड करने से ये क्या होता है ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाता है। देन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन क्या बोल रहा है ना वोल्टेज रेगुलेशन इट इज द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड With respect to full load, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन का, यह है फॉर्मूला क्या ना नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, अगर हमें नो लोड वोल्टेज का वैल्यू पता है, फुल लोड वोल्टेज का वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं ना परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी संट जनरेटर, हाँ और पैरेलल और सीरीज ऑपरेशन दोनों का हम पढ़ेंगे, उसके क्या बेनिफिट होता है पैरेलल करने से सीरीज करने से वो हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर तुम्हें नोट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं हमारे जो एक वेबसाइट भी हो रहा है वेबसाइट में भी हम इसको नोट को अपलोड कर देंगे कि तुम इसको नोट को भी तुम रख सकते हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि नोट चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू।